हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है आप लोगों के बीच। तो दोस्तों आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों आपको आपको पता है कि जैसे मैं आपको अभी यानी फ़िलहाल कुछ क्लासेस हो मतलब आपको मतलब घर में किस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं, घर में, ऑफिस में, रास्ते या कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी से जब मिलता है तो किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं, फिर उसका जवाब क्या देते हैं, फिर आगे का क्या बात पूछ सकते हैं। तो उसी बेसिस पे आपको ये मेरा अभी का जो क्लास फिलहाल कुछ दिनों से चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका यदि आप इसका प्रयोग यदि कर लेते हैं, यदि इस प्रकार से बोलना यदि इस सब का मतलब आप जान लेते हैं तो आपके लिए ऐसे मतलब इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भर दिन में मतलब पूरे दिन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बार इसी प्रकार के शब्द को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा बार इस्तेमाल करते हैं उसी शब्द को यदि ज़्यादा से मतलब इंग्लिश में बोलना समझ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्द को भी मतलब अपने अनुसार उसको मोड़ कर यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही आता है कि जो हम लोग हर मतलब डेली लाइफ में हर दिन हर वक्त जो शब्द बोलते हैं ना उसी को इंग्लिश में कैसे बोले, तो प्रॉब्लम तो यहीं पे है दोस्तों। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों आपके सामने ये जो मेरा क्लास है स्पोकन इंग्लिश का, यदि मेरा आप कंटिन्यू बेसिस पे मेरा यदि क्लास देखते हैं तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं रह पाएगा यदि मेरा क्लास कंटिन्यू बेसिस पर देख रहे हैं दोस्तों। तो क्यों? क्योंकि हम आपके इस क्लास के माध्यम से उसी प्रकार के शब्द आपको हम देने जा रहे हैं और बताते हैं कि इसको रिविजन, जैसे कि आपको स्टार्टिंग क्लास में हम बताया है कि आप इसको पहले तो एक शॉर्ट नोट बनाइए कॉपी में, एक पेन और पेंसिल लेकर, पेन और कॉपी लेकर जरूर हमारे क्लास में बैठेगा और इसको प्रॉपर तरीका से क्लास बाय क्लास सभी का नोट तैयार कीजिए। जब आप नोट तैयार करते तो उसको क्या करने बताए थे, 3 times रीड कीजिए। रीड करने के बाद इसको आप क्या कीजिए, जहाँ पे आप इस प्रकार का वर्ड सेंटेंस यदि बोलने के लिए आप हिंदी में बोलना प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हिंदी के बदले में आप इंग्लिश में प्रयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो दोस्तों आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आदत हो जाएगा, फिर आप धड़ल्ले से बोलना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करते इस क्लास को, और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरा क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कोई भी काम कहीं पे मतलब कहीं जाने रहते हैं और कोई आदमी मतलब अपना कपड़ा पहन रहे हैं या लेट कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा लेट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 9 बजे हम लोग क्या बोलते हैं, 9 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग लेकर वो सामने वालों को बताते हैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, यानी 9 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 9 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 8 बजे से पहले तैयार हो जाओ। दोस्तों इसके लिए हम लोग बोलते ही हर वक्त हर समय कहीं जाने वाले रहते तो बोलते किसी से कि 9 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 9 बजे से पहले ही आप तैयार हो जाइए। तो दोस्तों इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो लेटर देन 9 o'clock। ओके, क्या बोलेंगे, नो लेटर देन 9 o'clock। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि 9 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो लेटर देन 9 o'clock। ओके, क्लियर। तो इसके जगह पर 9 o'clock के जगह पर 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, दोस्तों अपने अनुसार से इस प्रकार यहाँ पे समय को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बोलने में 9 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो रहेगा वो सभी में यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर के जगह पर चेंज करना, बाद बाकी यही रहेगा, नो लेटर दैट 9 o'clock। ओके, क्लियर दोस्तों। आगे है दोस्तों, कोई भी कपड़े आयन नहीं मैं क्या पहनूँ। जैसे आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, आपके कपड़ा बाय चांस यदि आयरन नहीं किया हुआ है, जिसको इस्त्री बोलते दोस्तों हिंदी में, तो वो यदि आपको आयन यदि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयन, क्या बोलेंगे, आयन। तो यदि नहीं किया गया है तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, कोई भी कपड़े आयन नहीं है मैं क्या पहनूँ, बोलते ही हैं। यदि आप कहीं जाने के लिए तैयार है और आयरन कपड़े पहने किए हुए कपड़े पहनते हैं, आपका कपड़ा यदि आयन नहीं हुआ है तो क्या बोलते हैं, कोई भी कपड़े आयन नहीं है मैं क्या पहनूँ। इसके लिए दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलना है, No dress is ironed. What do you I wear? No dress is ironed. What do we wear? Wear का मतलब पहनना होता है, क्या होता दोस्तों, पहनना। Wear का मतलब क्या होता, पहनना। तो कोई भी कपड़े आयन नहीं है मैं क्या पहनूँ, No dress is ironed. What do I wear? क्या बोलेंगे, No dress ironed. What do I wear? यानी कोई भी कपड़ा प्रेस नहीं है मैं क्या पहनूं, नो ड्रेस इज आयर्न, व्हाट डू आई वेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मुझे सिलवट्टी वाली शर्ट पहननी पड़ रही है, यानी उसको अब मजबूरी में आयरन नहीं हुआ है,
तो सिलवटी यानी कोई लाइन वगैरह जिग जग वाला जो कपड़ा होता है दोस्तों, उस प्रकार का कपड़ा उनको पहनना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, अब हमें सिलवटी वाले कपड़े पहनने पड़े। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, नाउ आई हैव टू वेयर दिस कंपेल्ड शर्ट, यानी जिसको हम नहीं पहनना चाहते हैं मजबूरी में हमको पहनना पड़ रहा है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अब मुझे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउ आई हैव टू वेयर दिस कंपेल्ड शर्ट। इसका हिंदी में क्या होगा दोस्तों, अब मुझे सिलवटी वाली शर्ट पहननी पड़ रही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउ आई हैव टू वेयर दिस कंपेल्ड शर्ट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, आपको लेट हो जाता है इस प्रकार के कपड़ा नहीं प्रेस रहता या कपड़ा नहीं, आप कन्फ्यूजन में रहते कि कौन सा पहनो, तो उसमें आपको क्या होता है दोस्तों, लेट हो जाता है। तो आप क्या बोलते हैं, आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय यानी तैयार होने में लग गया, तो क्या बोलते हैं, आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया दोस्तों। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी हैव लास्ट हाफ अ डे ऑलरेडी। क्या बोलेंगे, वी हैव लास्ट हाफ अ डे ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया। क्या बोलेंगे, आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया। उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, वी हैव लास्ट हाफ अ हाफ अ डे ऑलरेडी, यानी आधा दिन तो वैसे ही निकल गया है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, वी हैव लास्ट हाफ अ डे ऑलरेडी। वी हैव लास्ट हाफ अ डे ऑलरेडी। वी हैव लास्ट लास्ट हाफ अ डे ऑलरेडी। इसका मतलब दोस्तों, आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया है या निकल गया है या बीत चुका है। तो क्या बोलना है दोस्तों, वी हैव लास्ट हाफ अ डे ऑलरेडी। नेक्स्ट दोस्तों, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यदि किसी को बहुत तागड़ा भूख लगा हुआ, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ हो तो वो घर आते तो क्या बोलते हैं, या भूख लगा रहता तो क्या बोलते हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। इसके लिए क्या बोलेंगे दोस्तों इंग्लिश में, आई एम स्टार्विंग। क्या बोलेंगे, स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, आई एम स्टार्विंग। क्या बोलेंगे, आई एम स्टार्विंग, यानी मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यानी किसी को बहुत तेज़ से भूख लगा हुआ होता है, बहुत लंबे समय के बाद भोजन करता है, तो बोलते ना मैं भूख से मरा जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, आई एम स्टार्विंग। क्या बोलेंगे, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, यानी मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। सामने वाला रहता है तो क्या बोलता है, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, यानी दो आदमी किसी से बोलता है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना, आई एम स्टार्विंग। और सामने में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। तो यानी उसको चिढ़ाने के लिए, बोलने के लिए बोलते रहते, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट आई एम फुल, यानी मेरा पेट भरा, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ, बट आई एम फुल, यानी मैं पूरी तरह से फुल हूँ। क्लियर दोस्तों। तो मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आई एम स्टार्विंग, मेरा पेट, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, बट आई एम फुल। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगी, यानी वो व्यक्ति बोलते हैं मेरा पेट तो भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगी दोस्तों। लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट आई विल हैव अ लिटिल बाइट विथ यू। क्या बोलेंगे, बट आई विल हैव अ लिटिल बाइट विथ यू, यानी लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगी, बट आई विल हैव अ लिटिल बाइट विथ यू। क्या बोलेंगे, बट आई विल हैव अ लिटिल बाइट विथ यू, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लेंगे। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट आई विल हैव अ लिटिल बाइट विथ यू। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं है। और सामने वाला बाई चांस बोल दे कि चलिए आप खाने का इच्छा आपका मन होगी, अभी तो बोल देती कि पेट भरा हुआ है, अब आप बोल रहे कि लेकिन अब तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगी, तो हो सकता है गुस्से में आकर सामने वाला बोल रहे लेकिन अभी हमें खाने का ही नहीं मन कर रहा है, तो ये क्या बहाना बना रहा है, क्या बोल रहा है, वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं रहे नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये वो अभी बोल रहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, अब बोल रहा है थोड़ा सा खा लूँगी। तो इन्होंने क्या कहा, वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं है। तो दोस्तों ये अभी क्या, वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय द वे आई एम नॉट डैट हंग्री नाउ। बाय द वे आई एम नॉट डैट हंग्री नाउ। क्या बोलेंगे, इसका मतलब वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय द वे आई एम नॉट डैट हंग्री नाउ। क्या बोलेंगे, बाय द वे आई एम नॉट डैट हंग्री नाउ, यानी वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय द वे आई एम नॉट डैट हंग्री नाउ। नेक्स्ट दोस्तों, तुम्हें इस बाइक के लिए पैसे कितने दिए। जैसे दोस्तों आप बाइक बेचते हैं या बाइक खरीदते हैं,
तो जब आप बेच लेते तो सामने वाले आपसे पूछते हैं कितने में खरीदे, कितने में बेचे, तो बोलते हैं कोई आदमी कि तुम्हें इस बाइक के लिए कितना पैसे दिए। तो दोस्तों इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम्हें इस बाइक के लिए के पैसे कितने दिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु गेव यू द मनी, क्या बोलेंगे, हु गेव द मनी फॉर दिस बाइक, क्या बोलेंगे, तुम्हें इस बाइक के लिए पैसे कितने दिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु गेव यू द मनी, हु गेव द यू मनी फॉर दिस बाइक, हु गेव यू द मनी फॉर दिस बाइक, इस तुम्हें इस बाइक के लिए पैसे कितने दिए। इस प्रकार के वर्ड दोस्तों हम लोग डेली लाइफ में जहाँ तहाँ प्रयोग करते हैं, पर यदि आपको मौका आ जाए कहीं बोलने के लिए तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, हु गेव यू द मनी, हु गेव यू द मनी फॉर दिस बाइक, यानी तुम्हें इस बाइक के लिए पैसे कितने दिए, तो हु गेव यू द मनी फॉर दिस बाइक बोलना है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी, यानी मैं भी इस बाइक को लेने के लिए पैसा जमा कर रही थी, मान ली उनको भी लेने का मन है, तो मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वॉज सेविंग अप फॉर इट, क्या बोलेंगे, आई वॉज सेविंग अप फॉर इट, मैं भी इसके लिए पैसे जमा कर रही थी, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वॉज सेविंग अप फॉर इट, आई वॉज सेविंग अप फॉर इट, यानी इसकी मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी, क्लियर दोस्तों। इंग्लिश में क्या बोलना, आई वॉज सेविंग अप फॉर इट। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे दो मिनट और सोने दो ना प्लीज, मान ली कोई व्यक्ति सोए हुए हैं उसको आप उठाने की कोशिश उठाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे दो मिनट और सुनो दो प्लीज, मुझे दो मिनट और सुनो दो प्लीज। दोस्तों ऐसा जनरली आप बोलते होंगे या आप किसी को उठाते होंगे तो आपके घर में कोई व्यक्ति बोलते होंगे, मुझे दो मिनट और सोने दो ना प्लीज, तो इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट मी स्लीप फॉर टू मोर मिनट्स प्लीज, क्या बोलेंगे, लेट मी स्लीप फॉर टू मोर मिनट्स प्लीज, क्या बोलेंगे, लेट मी स्लीप फॉर टू मोर मिनट्स प्लीज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दो मिनट और सोने दो ना प्लीज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, लेट मी स्लीप फॉर टू मोर मिनट्स प्लीज, क्या बोलेंगे, लेट मी स्लीप फॉर टू मोर मिनट्स प्लीज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे दो मिनट और सोने दो ना प्लीज, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, रिश्ते खुद चलकर घर पर आएंगे, इस प्रकार का वर्ड भी बोलते घर में सुनते होंगे, रिश्ते खुद चलकर घर पे आएंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वेटर्स विल कम नुकिंग योर डोर, क्या बोलेंगे, स्वेटर्स विल कम नुकिंग योर डोर्स, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, कितनी पतली हो गई हो, जैसे दोस्तों कोई आदमी बहुत ही पतला हो जाता तो क्या बोलते उसको, कितनी पतली हो गई, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव बिकम सो थीन, क्या बोलते हैं, यू हैव बिकम सो थीन, कितनी पतली हो गई हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू हैव बिकम सो थीन। नेक्स्ट क्या है, लगता है कुछ ढंग से खाती पीती नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट सीम्स यू डोंट ईट मच, क्या बोलेंगे, इट सीम्स यू डोंट ईट मच, क्या बोलेंगे, इट सीम्स यू डोंट ईट मच, यानी लगता है कुछ ढंग से खाती पीती नहीं, इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट सीम्स यू डोंट ईट मच, इट सीम्स यू डोंट ईट मच। दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस को आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में प्रॉपर तरीका से इसको याद कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, जैसे कि आपको बताए हैं डेली बेसिस पे इसको रिविजिंग करने के लिए, और जहाँ भी ये प्रकार का शब्द को आप हिंदी में बोलना चाहते हो वहाँ पर इंग्लिश में प्रयोग कीजिए दोस्तों, तो आपको ज़रूर अपने अंदर एक प्रकार का इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर भी नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपको दोस्तों इतना आपके लिए मतलब दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके सामने कंटेंट लाते हैं दोस्तों, तो आपको ज़रूर थोड़ा सा लाइक कर देना चाहिए, क्यों दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लाइक और नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।